हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड शेयर के बारे में। दोस्तों, इसकी प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी ने लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से प्रॉफिट ही किया है, और इसके प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 80% से ज़्यादा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाती है। लेकिन फिर भी कंपनी के जो स्टॉक में देखें तो लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसमें हो सकता है दोस्तों कुछ ऑपरेटर गेम चल रहा है, तो अभी अगर आपके पास होल्ड है तो इसे होल्ड करके रख सकते हैं। इसके प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने पिछले मार्च 2023 में 3 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उसके बाद मार्च 2024 में कंपनी ने 15 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। लेकिन कंपनी पर कर्जे की बात करें दोस्तों, तो कंपनी पर जो मार्च 2023 में कर्जा था वो था 88 करोड़ रुपये का, और जो कि मार्च 2024 में बढ़कर हो चुका है 250 करोड़ के आसपास। तो कर्जे के ज़्यादा होने की वजह के कारण से कंपनी को इंटरेस्ट पे ज़्यादा करना पड़ रहा है, उसके कारण से स्टॉक में कोई ही मूवमेंट नहीं आ रही ऊपर की तरफ, और लगातार स्टॉक नीचे की तरफ ही मूवमेंट दे रहा है। आज भी स्टॉक लगभग 12% नीचे है। अगर टेक्निकल लेवल पर देखें तो दोस्तों, इसका जो इम्पोर्टेंट स्पॉट लेकर कर आ रहा है वो है 1 रुपये 20 पैसे से लेकर 1 रुपये 15 पैसे तक, इसका तगड़ा स्पॉट है। अगर इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ देता है तो शेयर में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है।